माननीय सदस्य श्री प्रदीप यादव जी, काहे को बोलेंगे? सभापति महोदय, मैं गैर सरकारी संकल्प रखो केवल एक सूचना देना चाहता हूँ और बड़ी इम्पोर्टेंट है, इसलिए कि अभी चिकित्सा महाविद्यालय में सहायक प्रधानाध्यापक की बदली, प्राध्यापक के बाहरिया निकली है लेक्चरर का चिकित्सा महाविद्यालय में, उसके भरने की तिथि आज तक है, लेकिन उम्र सीमा का जो आकलन होगा वो 2021 दिया है अध्यक्ष महोदय, बताइए 3 साल में जो पास किया वो कैसे आएगा? हमें लगता है कि सरकार को इस पर विचार करना चाहिए। संसदीय कार्य मंत्री यहाँ बैठे हैं, अभी विभागीय मंत्री तो चले गए, हमें लगता है कि इसको संज्ञान में लेके आप बहाली फॉर्म भरने की तिथि आज तक है आपका, और उम्र का जो मूल्यांकन कीजिएगा वो 2021 तक है, ये 3 वर्ष के लिए क्या होगा भाई? जब तक फॉर्म भरने की तिथि है, मूल्य क्या कहते हैं उनके उम्र सीमा का भी तो यहाँ तक आना चाहिए। कई त्रुटियां, पिछले विनोद जी और हम सब गए थे एक दूसरी बहाली में भी, CDPO बहाली में, उसको संशोधन कराए, इसको भी संशोधन कराना चाहिए मेरे विचार से। आपके संज्ञान में आए, मैं आपके हाथ तक पहुंचाता हूँ। चलो, और मेरे जो संकल्प है मैं उसको आगे पढ़ता हूँ। सभापति महोदय, यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह व्यापक लोक हित में गोड्डा जिला के प्रखंड पुड़ियाहाट, प्रखंड गोड्डा के 10 पंचायतों को मिलकर देवडांग को नया प्रखंड बनाया जाए। माननीय मंत्री महोदय, आज ही सदन में नए प्रखंड के सृजन के लिए गैर सर के संकल्प के द्वारा आया था, और प्रदीप जी का जो गैर सर के संकल्प है उसमें प्रखंड पुड़ियाहाट और गोड्डा 10 पंचायत को मिलाकर देवताड़ प्रखंड बनाने के लिए, मैंने अभी अभी इस सदन में बात को रखे थे। इस बार हम लोग इन कुछ चीजों को हम लोग देख रहे हैं, अनुमंडल, प्रखंड, पुलिस स्टेशन, सारी प्रक्रिया को हम लोग कुछ दिनों के बाद हाई लेवल कमेटी से विचार विमर्श करके हम लोग कराने के काम करेंगे। इनका तो उपायुक्त गोड्डा का 2022 का अनुशंसा भी आया था प्रखंड बनाने के लिए, लेकिन मापदंड उस वक्त 2015 का था, इसलिए नहीं बन पाया, लेकिन आश्वस्त करना चाहते हैं कि हम लोग बहुत जल्दी इस पर निर्णय लेने जा रहे हैं। सकारात्मक उत्तर है माननीय मंत्री जी का, केवल मैं इतना ही आश्वस्त होना चाहता हूँ कि अगर राज्य में एक भी प्रखंड बने तो यह देवडाड़ बने, जिस समय बने बस इतना ही कह दे कि जिस समय बनेगा तो यह भी बनेगा, बस इतना ही आपका आश्वासन। पर कुछ नियमावली बना रहे हैं, उसमें आ जाएगा। ठीक, वापस, थैंक यू।